अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान। अच्छा, ये मैं थोड़ी सी आपको अपडेट देता चलूँगा। मैंने ना तकरीबन एक साल से भी पहले चैनल बनाया था, लेकिन कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं इस पर वीडियोज़ वगैरह अपलोड नहीं कर सका। तो ये मैंने अब दोबारा से प्लान किया है कि मैं वीडियोज़ वगैरह अपलोड किया करूँगा। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और बस ओके। अच्छा जी, तो अगला दिन शुरू हो चुका है। मैं मतलब ये भी सो के उठूँ, आपको मेरी आदत देख के लग भी रहूँगा और बस अभी फ्रेश होऊंगा और नाश्ता वगैरह चले आएंगे साथ। Few moments later. अच्छा, तो ये है मेरा नाश्ता, सिंपल सा चाय पराठा अंडा, बस सिंपल सा देसी डोग हम, और सिंपल सा लेकिन हेल्दी नाश्ता करते हैं। 2000 years later. अच्छा जी, तो मुझे घर से कह रहे थे कि दही ले आओ, तो मैं यहाँ आ गया था दही लेने के लिए। और यहाँ मैं अपना वॉइस ओवर लगा रहा हूँ इसलिए कि इधर शोर बहुत ज़्यादा था, बाहर पीछे से गाड़ियाँ गुजर रही थी, दुकान में भी और लोग खड़े हुए थे और थोड़ा शोर था, इस वजह से मैं अपना यहाँ पे वॉइस ओवर दे रहा हूँ। और आप देख सकते हैं वो दही डाल रहे हैं, और यहाँ पे मैंने दही लिया था, उसके बाद अब मैं घर आ गया हूँ और मैं घर आके यहाँ पे वॉइस ओवर लगा रहा हूँ। ओके। मैंने और इस टाइम सख्त बोल रहा हूँ, क्या करें ना, फेसबुक पे कुछ है, फेसबुक खोलो, वहाँ से चले जाओ इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम से चले जाओ टिकटॉक पे, थोड़ी देर बाद फिर से फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप, बस यही कुछ चलता रहता है यार, बोरियत। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा था चलो चलो वो नहीं सही तो चलो टीवी देखते हैं। मैंने टीवी लगा ली, केबल लगाई, एक तो केबल का मैं आपको हाल दिखाता हूँ, एक मिनट आओ जरा मैं आपको केबल का हाल दिखाता हूँ। ये देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमारी केबल का हाल क्या है, इन था कि ख़राब है, और उसके अलावा ये देखें, ख़राब तो ख़राब, चैनल आ ही नहीं रहे, अब बंदा क्या करे इधर। और यकीन करें केबल भी देखो ना, तो वही ये हालात ख़राब, ये पेट्रोल महंगा, ये मुल्क में ये हो गया वो हो गया, तो कुछ भी यानी क्या हमारा, हम क्या करें इधर। मैच चल रहा है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, और क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बाबर आजम बनने की कोशिश जो कि नाकाम हुई। अच्छा, तो अभी का सीन ही है कि मैं देने जा रहा हूँ अबू को रोटी, तो आए चलते। अच्छा जी, ये है मेरा 70 पे जा रहे हैं। अच्छा जी, तो मैं पहुंच गया हूँ अपनी दुकान में। असल में वैसे तो अबू खुद ही ज़्यादातर खाना लेने के लिए आते होते हैं, क्योंकि दिन का खाना वो घर से लेके जाते हैं, क्योंकि जो घर के खाने का जायका और जो सफाई और जो लज्जत घर के खाने में, वो बाहर के खानों में कभी नहीं हो सकती। तो ज़्यादातर तो वो घर से लेके जाते हैं, लेकिन जब कभी वो बिज़ी हों, काम ज़्यादा हो, शागिर्द भी रखा हुआ है, तो फिर जो है ना वो गल कॉल कर देते हैं, मुझे कॉल कर देते हैं या अम्मी को कॉल कर देते हैं कि खाना जो है ना भिजवा दो। तो आज काम ज़्यादा था थोड़ा, तो उन्होंने कॉल की मुझे कि खाना दे जाओ, तो मैं अब उनको इधर दुकान में आया हूँ उनका दिन का खाना ले कर। तो जब मैं दिन को टिफ़न दे के वापस आया, तो मैंने वापस आके ख़ुद भी खाना खाया, और मुझे इतनी सख्त नींद आ रही थी ना कि मैं सो गया। तो अभी उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, तो बाहर आया हूँ ज़रा। ये है मेरा कज़न दानिश, और वो आगे जा रहे हैं, वो छोटा वो बांझा है, वो ग्रीन कलर की शर्ट में वो भी बांझी है, वो साथ कज़न है। वो ज़रा ये कज़न ने ना लिया हुआ है छोटा सा ना, वो क्या है, क्या नाम है, रैक्स, रैक्स डॉगी लिया है जी कज़न ने, और वो बस ऐसे ही किसी दोस्त ने दिया है, तो वो छोटा सा है, तो वो इनको ना बहुत पसंद है,
वो डेली जो है ना शोर डाला हुआ होता है ने के रैक्स के पास जाना है, रैक्स के पास जाना है। तो आए आपको भी दिखाता हूँ मैं। अच्छा तो ये है रैक्स, रैक्स, रैक्स। ये देखो छोट, और किधर जा रहा है? आपको क्या हुआ है? ये नीचे उतरो। ये है बांजा मुस्तफा, इधर देखो, हेलो करो, हेलो। और ये है फातिमा नबील, और ये मुस्तफा नबील। हेलो दानिश, इससे तो इसका तो बता चुका हूँ। मानी भाई पढ़ने देना, पैरों पे क्या हो जाता है? ओए नहीं करो, वो गाड़ी को खाने लगा है। गाड़ी, गाड़ी को खाने लगा है। हाँ जी, क्या हाल है बेटो? ये है जी इसका शाजेद शेबीडॉन। वैसे ही है राजा, ये इनका मालिक है। ये था अजान। नहीं कुछ कहता, डरते क्यों हो फिर? वो वाले जो है ना, ये इनके मालिक हैं। आए रैक्स, रैक्स, हेलो रैक्स, तेरी केन में रखा हूँ ना रैक्स। ओए बस बस बस, आजा। तो ये अभी लगने लगी है रेस। 1 2 3 गो। दानिश जीत गया। जीत के कैसा लगा? बस 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 बस, अच्छा। तो मैं फाइनली अब घर वापस आ चुका हूँ, और अब मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग का करूँगा एंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। बहुत सारी कमियाँ होंगी, लेकिन वो टाइम के साथ इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्या क्या कमियाँ हैं, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्या करूँ या किस तरह से बनाऊँ। आप मुझे सजेशंस दें, मैं उन पर ज़रूर अमल करूँगा। तो एंड पे आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, मुझे सजेशंस दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो अल्लाह हाफिज़।